आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। था टुंडला के आगरा रोड स्थित तिलक नगर के निर्माणाधीन बेसमेंट में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना टुंडला आगरा रोड तिलक नगर में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर थाना टुंडला पुलिस पहुंच गई। सीओ टुंडला भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। महिला की लाश निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट के पास पड़ी मिली। जांच पड़ताल में पता चला कि महिला का नाम आशा देवी है और पति का नाम संजय बाबू है। महिला की उम्र 40 साल के आसपास मालूम पड़ती है। महिला की गला रेत कर हत्या की गई। गला धारदार ब्लेड से रेता गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक शव मिला है, 40 वर्षीय महिला है करीब, जिसके गले पे धारदार हथियार से उसको जख्मी करके उसकी हत्या की गई है। मौके से जो है एक ब्लेड भी मिला है, तो उम्मीद ये है कि इसी तरीके से इसका ब्लेड से ही इसका घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी हथियारों का पता लगाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, आखिर किन लोगों ने आशा देवी को मौत के घाट उतारा। देखना होगा कि पुलिस कब तक आशा देवी के हथियारों को बेनकाब कर पाती है। बहरहाल गला रेतकर महिला की हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत देखी जा सकती है। टुंडला से अपने साथी ब्रजपाल सिंह परमार और रामपाल सिंह के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा।